अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ अगेन, और रेसिपी का नाम मैं आपको बता देती हूँ। ये है जी कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल। तो इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चाहिए होगा जी हमें कस्टर्ड। कस्टर्ड हम यूज़ करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून। 1 लीटर हमें मिल्क चाहिए होगा। मेरे पास मिल्क पैक अवेलेबल था तो मैंने मिल्क पैक ले लिया है। आपके पास कोई भी दूध अवेलेबल हो, चाहे घर का दूध हो, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए जी कस्टर्ड के इंग्रेडिएंट्स। इसमें हम ऐड करेंगे चीनी 3 to 4 टेबल स्पून, और आप कस्टर्ड बनाते हुए 1 लीटर में चेक कर सकते हैं। अगर आपको कमी महसूस हो कि चीनी कम है तो आप मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मॉडरेट सा यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी मदर बेसिकली डायबिटिक हैं तो मुझे थोड़ा सा उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, घर में बेशक पेशेंट हों, आपने उनको टेस्ट तो करवाना होता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप उनका भी ख्याल कर लें। तो नेक्स्ट जो इन्ग्रीडियंट है मैं वो आपको बता देती हूँ। ये है जी रफान जेली, और जेली जो है वो मैंने 2 तरह की ली है, एक बनाना फ्लेवर में और एक मैंने ली है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। अब मैं इन दोनों जेलीज को भी कस्टर्ड रेडी करने के बाद रेडी कर लूँगी, जेली को अलग अलग, ठीक है, और फिर हम इनको ठंडा कर लेंगे, जेली को भी और कस्टर्ड को भी। अच्छा, इनके लिए जो टॉपिंग के लिए जिसके साथ हमने इनकी गार्निशिंग करनी है, जो वो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, उनमें मैंने कपकेक्स लेनी है इस तरीके से, ठीक है। इन केक्स को हम छुरी की मदद से काट लेंगे और इसको हम प्रॉपर एक लेयर लगाएंगे आपके जो ट्राइफल तैयार होगा उसमें। अच्छा, बनाना मैंने ले लिए हैं 4 अदद, इनको भी हम बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेंगे। मज़ीद इसके अंदर जाएगा जी फ्रूट कॉकटेल। अच्छा जी, ये है जी ट्रॉपिकल फ्रूट कॉकटेल, ठीक है, तो आप इसको यूज़ करेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। ट्राइफल बनाने के लिए सबसे पहले कस्टर्ड तैयार करना है। कस्टर्ड के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स पहले भी बता चुकी हूँ। हम यूज़ करेंगे मिल्क पैक, आप कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास मिल्क पैक अवेलेबल था तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। 1 लीटर आप ले लें, अगर आप चाहें ज़्यादा बनाना तो आप ज़्यादा भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम कस्टर्ड पाउडर यूज़ करेंगे, मुझे वनीला फ्लेवर पसंद है तो इसलिए मैं वनीला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको मैंगो, स्ट्रॉबेरी या कोई और फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जी। इसमें जाएगी चीनी, और चीनी मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप, और जब मैं कस्टर्ड तैयार करूँगी तो मैयर करते हुए आपको प्रॉपर टेबल स्पून भी बता दूँगी कि आप कितने टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड करें। कुछ दूध हम बचा लेंगे क्योंकि उसमें हमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स करना होगा। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं और कस्टर्ड अपना तैयार करते हैं। वन लीटर दूध में तकरीबन मैं 2 to 3 टेबलस्पून कस्टर्ड ऐड करूंगी। तकरीबन 3 चम्मच मैंने ले लिए हैं, और अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अच्छा, दूध इसमें आपको ठंडा ऐड करना है, गरम ऐड बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप गरम दूध ऐड करेंगे तो इसमें ये मिक्स नहीं होगा अच्छे तरीके से, और इसमें फुटकियाँ सी बन जाएंगी जो हमारा जो कस्टर्ड है उसे बिल्कुल ख़राब कर देंगी। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा दूध के साथ। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है मिक्सचर। अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो आप इसको मज़ीद थोड़ी देर मिक्स कर लें। अब मैं दूध को उबलने के लिए रख देती हूँ, ठीक है। जैसे ही वो बॉयल होगा तो फिर देन हम उसके अंदर ये कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। मैंने ले लिया है और इसके नीचे मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ। फ्लेम आप मीडियम ही रखें,
अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। अगर फ्लेम आप ज़्यादा करेंगे तो उससे जो बर्तन है वो जलने का इम्कान है, और साथ ही आपके जो रेसिपी है यानी कि आपका कस्टर्ड है उसका भी फ्लेवर ख़राब होने का इम्कान है। तो इसलिए आप इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएं, और इसके लिए आप लकड़ी का चम्मच यूज़ करें। इस तरीके से लकड़ी का चम्मच को यूज़ करें। अब जब तक इसमें बॉयल आ जाता है तो साथ साथ मैं बाकी चीज़ें भी रेडी कर लेती हूँ। बॉयल दूध को आ जाएगा और इसके दौरान ही मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर देती हूँ। 1, 2, 3 and 4 4 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, आप पहले एक दफ़ा चख लें। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि इसमें अब चीनी मज़ीद ऐड करनी चाहिए तो आप उसमें ऐड कर लें, अदरवाइज़ आपके जो घर में बूढ़े हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका भी ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि इसमें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से जो स्वीटनेस है वो आ जाएगी रेसिपी में। तो इसलिए अगर आप इसमें मीठा थोड़ा कम भी डालेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको जी। तो ये दूध बॉयल हो चुका है और ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से ऐड नहीं कर देंगे। और जब हम इसको कस्टर्ड को डालेंगे तो चम्मच हिलाते रहेंगे कंटिन्यूसली, क्योंकि अगर हम चम्मच नहीं हिलाएंगे तो आपका जो कस्टर्ड है वो ख़राब हो जाएगा और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े से कस्टर्ड के ढेले बन जाएंगे। ठीक है, फुटकियाँ से बन जाएंगी तो फिर वो आपका टेस्ट ख़राब कर देती हैं कस्टर्ड का। कस्टर्ड को शामिल करने से पहले एक दफ़ा मिक्स कर लें इस तरीके से, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी देर पड़ा रहे तो ये वापस जम जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें आप, इस तरह से पतली हो। चलिए अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखिए कस्टर्ड थिक होना शुरू हो गया। ना ही बर्तन को लगा है कस्टर्ड और ना ही इसके अंदर फुटकियाँ से नमोदार हुई हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो कस्टर्ड है वो थिक हो चुका है। अब थोड़ी सी देर हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, देन हम इसको उतार कर तो रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। मुसलसल चम्मच हिलाने से कस्टर्ड साथ नहीं लगेगा। अच्छा, ठंडा करने का एक और तरीका ये भी है कि अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी ठंडा हो जाए तो आप किसी भी बड़े बर्तन में आइस क्यूब्स डाल के और उसके ऊपर ये पतीला रखते हैं,
तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अब हम इसको उतार लेते हैं चूल्हे से। तो भी उस पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर रफान जेली ऐड कर रहे हैं। ये एक पैकेट मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी उसी तरीके से। इसी तरीके से आप दूसरी जेली को भी रेडी कर लीजिएगा। इसके जितने भी ज़रात हैं जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे अच्छे तरीके से गर्म पानी में, तो उसके बाद आप इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लीजिएगा। देन फिर इसको जमने के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखें जेली अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। जो चीज़ें दरकार थी वो सब तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, इनमें जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बनाना मैंने छोटे साइज़ में काट लिया था, ठीक है। उसके साथ ही पिस्ते बादाम है गार्निश के लिए। ये है जी ट्राइफल, इसका सिरम मैंने निकाल दिया था, बहुत थोड़ा सा सिरम इसके अंदर है। और बाकी ये है जी हमारी ग्रीन जेली, और ये है हमारी रेड जेली, स्ट्रॉबेरी जेली, और ये बनाना जेली। ये हमारे जो कप केक्स थे वो, और वो हमारा कस्टर्ड जो है वो, ये सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब जस्ट हमने लेयर लगानी है। तो अब लेयर लगाने के लिए सबसे पहले हम नीचे कस्टर्ड जो है उसकी एक लेयर बिछाएंगे। ठीक, तो ये ले लिया है मैंने एक बाउल। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले कस्टर्ड की एक लेयर लगाऊंगी। मैंने कस्टर्ड को भी ठंडा कर लिया था क्योंकि मुझे रेसिपी कंप्लीट करनी थी। आप जो है सब चीज़ें रेडी करके लेयर लगा के देन आप उसके बाद भी ठंडा कर सकते हैं। ये आपका फ्रूट ट्राइफल तैयार है। आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे आपके व्यूज़ का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा, और आपके व्यूज़ ही जो है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको करीब से देख सकते हैं। कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसी तरह आपको मज़े मज़े की न्यू रेसिपीज़ जो हैं वो मैं बना के आपके साथ शेयर करती रहूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।
और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।